ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है और हमारे टूथपेस्ट में लौंग है एंड हमारे टूथपेस्ट में नीम भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट है जो कि एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है जिसका काम डिटर्जेंट में झाग बनाना है, पर हमें इसके बारे में कोई नहीं बताता। मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स की टूथपेस्ट जो हमारे बाथरूम के शेल्फ्स पे हैं, उनमें और भी हानिकारक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि तो कुछ बाहर के देशों में बैंड भी है। इसी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देने की वजह से डेंटिस्ट की फीसों में हम सबकी जेबें खाली हो गई हैं। इंडिया में स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के लिए तो बहुत सारे क्लीन और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बट ओरल केयर का क्या? इसलिए हम लाए हैं परफोरा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है तुषार खुराना, मैं 28 साल का हूँ एंड मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है जतन बावा, मैं 29 साल का हूँ एंड मैं बलारपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ एंड हम हैं फाउंडर्स परफोरा के। हमने इंडिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल फ्लेवर से बना है। परफोरा एक यूनिक एंड कंप्लीट ओरल केयर ब्रांड है जो ना कि सिर्फ टूथपेस्ट बल्कि स्मार्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश, स्मार्ट वाटर फ्लॉसर, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स सेल करता है एंड हम पर्सनलाइज्ड इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी ऑफर करते हैं अपनी ब्रांड वेबसाइट पे। अगस्त 2021 से अब तक की हमारी ब्रांड जर्नी में हम लोग 40,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ओरल केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दें एंड अगले 5 साल में 1 करोड़ वॉशरूम्स में परफोरा के प्रोडक्ट्स पाए जाएं। आज हमारा आस्क है 80 लाख फॉर 1% इक्विटी हमारी कंपनी में। 80 लाख फॉर 1%? That's correct. मेरे को 2-4 कैविटी हो गई। तो जतन एंड तुषार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आज की डेट में एटलीस्ट 50 स्टार्टअप्स होंगी जो इस स्पेस में मैं देख चुका हूँ। सर, आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड द। हाँ, पर बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है, मजा आएगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। तो शुरुआत करते हैं, आप क्या पढ़ाई करी, कहाँ बड़े हुए और कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? 10th तक स्कूलिंग बलारपुर में हुई, बहुत छोटा टाउन है, काफी लिमिटेड एक्सपोजर था। उसके बाद एम्बिशन हमेशा से बड़ा था लाइफ में कि कुछ बड़ा करना है तो बड़े शहर में जाके कुछ शायद मैजिक हो, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पढ़ने, बीकॉम ऑनर्स खालसा कॉलेज। सो मैं करनाल में था क्लास 7th तक, उसके बाद मैंने 6 इयर्स देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल में स्पेंड किए, फिर मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, SRCC से बीकॉम ऑनर्स ही पढ़ी है। कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में मिले थे जिसका नाम है जागृति यात्रा। So, ये एक चार्टर ट्रेन है जिसमें 500 एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड चेंज मेकर्स होते हैं। तो यात्रा में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलो। सो इसी तरह मेरी तुषार से मुलाकात हुई एक फ्रेंड के थ्रू जो मेरे कोहोर्ट में था। तुषार से मिलके 2-3 चीजें जो मुझे अभी काफी अच्छे से याद है, एक वो भी आंसर्स ढूंढ रहे थे जैसे मैं आंसर्स ढूंढ रहा था लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कि क्या करना है। वो भी एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे, मैं भी एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक कनेक्ट था। तो उस शॉर्ट मुलाकात के बाद हमने 1-2 बार और इंटरेक्ट किया यात्रा में, उसके बाद फिर हम दोनों ही गुड़गांव में बेस्ड थे तो हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलना स्टार्ट किया एंड दोस्ती हमारी बढ़ती गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर मिलना तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ईजी है, उसके लिए 10 ऐप्स या वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर के लिए एक भी जरिया नहीं है। जी, जो ट्रस्ट लेवल है या जो एक कमराडरी एक को-फाउंडर वाले पीस में होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे रिलेशनशिप में भी वही हुआ है कि हम यात्रा में मिले, साथ में काम किया, फ्रेंडशिप इवॉल्व हुई एंड फाइनली हम बिजनेस पार्टनर्स बने। वाह, और यहाँ पे क्या रोल्स हैं आप दोनों के? सो मैं देखता हूँ सेल्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस। मैं देखता हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड ब्रांड कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट्स दिखाइए, सैंपल्स आइए और साथ में यहाँ पास आके अपने दांत भी दिखाइए। सो
So, हम आपके लिए personalized toothbrushes for everybody is there and this is a gift box which we're trying to build. Lavender. Which one? This lavender. One. And what is that? That's a mouthwash packaging. तुम्हारे दांत दिखा. थोड़ा काम है. एक कंपनी है. इसका नाम सुना है? Perfora. वो एक teeth whitening product बनाते हैं. वो use किया? Yes sir. अच्छा. फिर से use कीजिए. I'm not taking everything, but what is this? This is a toothpaste. Toothpaste और ये माउथ वॉश है जिसकी पैकेजिंग आपके हाथ में ये भी टूथपेस्ट है जैसे डिफरेंट फ्लेवर नो इट्स अ मॉर्निंग इवनिंग ओके यस ओ पीयूष तो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ना ओ वाओ नाम लिखा है यहां हाउ स्वीट ये बहुत अच्छा पर्सनलाइजेशन किया हुआ है ये आपका प्रोडक्ट में दम है प्रोडक्ट देखने में भी बड़ा कूल है डिलीशियस टूथपेस्ट है येलो वाली जो भी है पता नहीं सब एक ही फ्लेवर के है कि लेमन मिंट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग है फ्लेवर इतने बढ़िया लेमन मिंट एंड लैवेंडर रोज फैंटास्टिक ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब ये सच में बड़े बड़े ब्रांड्स के टूथपेस्ट में SLS और पैराबेंस होता है जो आपके टूथपेस्ट में नहीं है हां जी 100% जो नंबर 1 ब्रांड है उसमें SLS है 200% हर ब्रांड के टूथपेस्ट में तीन इंग्रेडिएंट्स आपको जरूर मिलेंगे एक है सोडियम लॉरियल सल्फेट विच इज SLS दूसरा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड तीसरा है सोडियम सैक्रिन एंड तीनों ही बहुत क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट्स है और झाग सेम आता है क्योंकि झाग SLS से आता है ना झाग के लिए हमने अल्टरनेट इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो थोड़ा कम आता है बट आपको ऐसे नहीं लगेगा कि साफ नहीं हुआ है कि साफ नहीं हुआ पर ऐसे और प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं मार्केट में अब जो यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं बट हम पहले थे अरे आप पहले क्या आप नंबर 1 हो यार पर और भी आ गए सेलिंग प्राइस क्या है कंपेयर टू जो पॉपुलर ब्रांड्स है मास प्रोडक्ट्स अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट 100 रुपीस फॉर 100 ग्राम्स बिकता है हमारा है 100 ग्राम्स फॉर 249 सेलिंग प्राइस तो 2.5 टाइम्स प्राइस ये जो टीथ वाइटनिंग का है ये एविडेंस और साइंस बेस्ड है राइट क्योंकि मैं अभी देख रही थी इस पे कोई क्लेम नहीं है कि इतने हफ्तों में इतने दिनों में इतने महीनों में यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स व्हेयरएज यूएस के सब प्रोडक्ट्स पे होते हैं क्लेम्स तो आपने क्लेम क्यों नहीं किया है हमने क्लेम इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो इंटेंशन है हम कुछ फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहते हमने जो इंग्रेडिएंट कंपोजिशन यूज किया है उसकी क्लिनिकली रिसर्च स्टडीज है कि वो एफिकेसिस है कितने दिन में मेरे टीथ वाइट होंगे 4 वीक्स में आपको 3 शेड्स विजिबली वाइटर टीथ देता है और आपके पास डेटा है ऑफ यूजर्स प्लान है स्टडीज कंडक्ट करने का यूजर्स को इंटरव्यू करने का बिकॉज़ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन क्विक वन क्योंकि आपकी प्राइस फॉर अ टूथपेस्ट इज 3.5 टाइम्स नॉर्मल टूथपेस्ट चांस है कि मे बी अ बिग मल्टीनेशनल या बिग इंडियन कंपनी आपके पास आए और बोले मेरे को आपको अक्वायर करना है तो आपका जवाब क्या होगा हमें लेगेसी ब्रांड बनाना है हम 20-25 साल आराम से बिताना चाहते हैं ओरल केयर में एंड टू पुट इट इन बेसिक लैंग्वेज कोलगेट 2.0 इंडिया से बनेगा और वो हम बनाएंगे अरे वाह विजन तो कमाल का है आई लाइक द एग्रेशन समीर ने आपको फंड करा है ना हां जी हां जी मेरा को-फाउंडर ने हां जी हां जी बट समीर तो बहुत अर्ली पे आया था जब आपने स्टार्ट किया था दो राउंड्स किए एक प्री रेवेन्यू था अप्रैल 2021 में हां जी तब हमने 2 करोड़ रुपए रेस किए थे एट 13 करोड़ पोस्ट मनी फिर अभी रिसेंटली हमने फरवरी में एक टर्म शीट क्लोज की थी जिसमें हमने 7 करोड़ रेस किए 39 करोड़ पोस्ट मनी 5 महीने में वैल्यूएशन डबल 39 करोड़ से 80 करोड़ चले गए क्या है ये चमत्कार और क्यों हमारा बिजनेस 2.5x हो गया है फरवरी से लेके अगस्त तक ये अच्छा एंड हमारी वैल्यूएशन सिर्फ 2x हुई है तो क्या किया कि 5 मंथ्स में सेल्स बिकेम 2.5 टाइम्स प्रोडक्ट्स ऐड हुए जो एग्जिस्टिंग चैनल्स थे उनको बढ़ाया जो एग्जिस्टिंग चैनल्स चल रहे थे उसमें भी हम डीप गए कस्टमर्स को समझा बेटर कैसे कर सकते हैं अपनी कस्टमर सर्विस डिलीवरी प्राइसिंग सब कुछ आप बर्न कितना करते हो और मार्केटिंग पे कितना खर्च लास्ट मंथ हम लोग ने ग्रॉस 89 लाख किया After removing GST, that is 77 lakhs. And 77 lakhs mein hamara burn 27 lakhs ka hai. So about 32-33%. Aur gross margin kitna hai? Gross margin on portfolio 57% hai abhi. Bas. Marketing cost kitna hai per month? Revenue ka around 45%. Followers kitne hai? Abhi 10.2K. Bahut kam followers hai yaar itni sale mein aapke. आप लेवरेज नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया को आप ज्यादा पेड मार्केटिंग पे अपना इसलिए आपका इतना खर्चा आ रहा है
आपका खर्चा इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी में हो. आप इतनी जल्दी में क्यों हो ग्रो करने की? हम इसलिए जल्दी में हैं बिकॉज जैसे पीयूष ने कहा, इस कैटेगरी में बहुत कॉम्पिटिशन आ रहा है एंड आने वाला है. भाई 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 नहीं भाई भाई, देखो अब तो 10 साल में 3 साइकिल हो चुकी हैं. कंपनीज बनती हैं, कंपनीज खत्म हो जाती हैं. एंड में कंपनीज वो जीतती हैं जो लॉन्ग टर्म सोचती हैं. आप बार बार कह रहे हो हम पहले थे, कोई मैटर नहीं करता है पहले थे या दूसरे थे. जो मैटर करता है कि आप आखिर तक रहेंगे नहीं रहेंगे. आपका सबसे बड़ा वेपन जो है दैट इज टू यूज फियर टू सेल योर प्रोडक्ट्स. कि आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, तो आपने एफिकेसी या फियर या दोनों की कॉम्बिनेशन अभी तक यूज क्यों नहीं किया टू सेल योर प्रोडक्ट्स? बिकॉज हमें कंज्यूमर को एक दूसरा लेंस दिखाना है कि यार हर बंदा एक 4 लाइनें यूज कर रहा है, 5x प्लाक रिमूवल, 3x व्हाइटन टीथ. अगर हम सेम चीजें यूज करेंगे अनुपम, तो हम स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेशन में. मेरा ये एक्सपीरियंस रहा अनुपम, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है और चश्मा भी है, सदियों से मेडिकल कैटेगरी है. पूरी मेडिकल कैटेगरी को हम फैशन की तरह बेच रहे हैं. अगर आप कोई कैटेगरी को शेकअप करना चाहते हैं, एक प्रोवोकेशन होना चाहिए. हमारी भी लर्निंग्स रही है. वी आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल, हम भी सीख रहे हैं. एंड ऑनेस्टली जो हमारी अगली प्रोडक्ट लाइन आ रही है टूथपेस्ट में, वो इतनी प्राइस कंपेटिटिव है. एंड अनुपम आपका जो पॉइंट है, वी विल प्रोवोक द कंज्यूमर बट इन नॉट इन अ मेडिकल वे बट इन आवर ओन वे. आर यू ओपन टू द आइडिया कि इसको प्रॉफिटेबली बिना बर्न किए ग्रो करना है? कि आपके इन्वेस्टर्स ने बोला है कि इसको बर्न करके ग्रो करो. हमें इवेंचुअली विनीता प्रॉफिटेबल ब्रांड ही बनाना है. जैसे मैंने कहा वेरी वेरी ऑनेस्टली कि ये 20-25 साल का मिनिमम गेम है हमारे लिए. इसको आइकॉनिक लेगेसी ब्रांड बनाना है. एंड जिन ब्रांड्स को हम लुकअप भी करते हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर फेवरेट ब्रांड्स इज मेथड इन द US. ऑफ कोर्स वो एक्वायर हो गया, लेकिन फाउंडर काफी विजनरी था एंड उसने मल्टीपल ब्रांड स्टार्ट किए. इंडिया में फेवरेट ब्रांड कौन सा है? इंडिया में फेवरेट ब्रांड मेरा तो लिशियस है. और भाई लेंस कार्ड और बोट शुगर. गलत जवाब. ये गलत जवाब. ये आपका गलत जवाब. हमारा ऑफर है वैल्यूएशन हम रेवेन्यू पे देंगे. आपका करंटली रेवेन्यू रन रेट जो है वो 10 करोड़ का नेट रेवेन्यू है, तो उस पे नमिता एंड आई वांट टू ऑफर यू अ वैल्यूएशन ऑफ 20 करोड़. सो व्हिच इज आपकी जो आस्क है 80 लाख फॉर 4%, 2% फॉर नमिता, 2% फॉर मी. नमिता विल ऑफ कोर्स ब्रिंग हर होल हेल्थ टेक एंगल एंड आई विल ब्रिंग माय ब्रांडिंग एंड कंटेंट एंड कम्युनिटी. Thank you so much because it means really a lot to us. Ye offer as not very smart entrepreneurs but decent entrepreneurs hum nahi lena chahenge because hame lagta hai ki ye hamare existing shareholders ke liye bhi wealth creation nahi hai. I agree. Agar aap 20 saal chalana chahte ho to unka wealth creation IPO mein hoga. Abhi round mein unko wealth creation shark se karne ki zarurat hai. Mujhe ek strategy bataiye. आप यहाँ से आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? नेक्स्ट माइलस्टोन है 2 करोड़ मंथली रेवेन्यू, जो हम नेक्स्ट 9 मंथ्स में अकम्प्लिश करना चाहते हैं. एट व्हाट लॉस? 15% एबिट्टा होगा. पॉजिटिव? नेगेटिव. एंड 3 CR पे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड उस टाइम पे वी विल ब्रेक इवन एबिट्टा एट 0. तो टू गेट टू 3 करोड़ ब्रेक इवन इन 15 मंथ्स कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? So, जो हमारे पास कैपिटल पड़ा है प्लस इफ यू आर एबल टू रेज और जो हमको आज रेज करना है, ये सफिशिएंट रहेगा हमको 3 CR पे लेके जाने के लिए. एक प्रपोजल है सबके लिए, अगर 5 शार्क्स आते हैं तो आप क्या डील देंगे? द 5 शार्क प्रीमियम. वो आपका लास्ट राउंड 32 प्री मनी पे हुआ था, उससे क्या बेहतर देंगे हमें? उससे बेहतर देना तो नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली, बिकॉज हम अपने एम्प्लॉयज के भी फेयर होना चाहते हैं. उन्होंने 40% पे कट लिया है हमारा सपना साकार करने के लिए, तो उससे नीचे आना तो हमारे लिए ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो 80 लाख पे आपकी जो पुरानी प्री मनी वैल्यूएशन है उस पर 2.5% बनेगा लगभग, वो आपको मंजूर है? फिर देखते हैं कौन शार्क्स लेने हैं. ये लोएस्ट ऑफर हो गया और बेस्ट ऑफर हो गया, इससे नीचे कोई जाएगा ही नहीं. 82.5 पे वो पोस्ट हो जाएगा.
लास्ट टाइम वो प्री था 32. तो अनुपम आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, इनको जवाब तो देने दीजिए. तो वो ओके है, अगर फिर हम देखते हैं कौन इन है कौन आउट है. डिस्कस करते हैं. वी विल डू इट इफ इट्स अ 5-star डील, ऑल स्टार डील. भाई मैंने मेरा डिसीजन बना लिया. मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट आउट. मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी तक आपने कुछ डिसरप्टिव नहीं किया. अगर कोई भी एस्टेब्लिश कैटेगरी में आप घुसोगे जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टीज है, आपको यूजर को प्रोवोक करना पड़ेगा. एक अच्छा फॉन्ट और एक अच्छे कलर से वो अटेंशन आपको एस्टेब्लिश ब्रांड कैटेगरी में नहीं मिलेगा. I think you have some ways to go. For that reason, I'm out. Good luck. मुझे लग रहा है कि valuation is too high for me to enter. Is what I feel. I think I missed the boat in this case. I would also be out in this case. We're very sorry to hear that. Yeah. देखिए मैंने अपना चेक 16 लाख 40 लाख मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. पर आप ही नहीं, आप ही नहीं, और आप भी नहीं. मैं भी इन हूँ. चलो करते हैं यार, रिस्क लेते हैं. तो हमारा ऑफर है 80 लाख, 3 शाक आ रहे हैं 2.5%, जो आपका प्रीवियस प्री मनी वैल्यूएशन. सेम शेयर प्राइस, सेम वैल्यूएशन. डील पक्की शाक. ऑसम, तीन बार चेक. 26 लाख 66,000. देखो यार, फ्यूचर ब्राइट है, पर लॉन्ग टर्म सोचो. लॉन्ग टर्म ये लीजिए, आप चेक लीजिए. गुड लक फेलोस. गुड जॉब गाइस. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. बेस्ट ऑफ लक एंड लव द ब्रांड. ये वाली डील हमारे बहुत पैसे बनाएगी. आई लाइक दिस. आओ दोस्तों, आओ देखो देखो कैसे चमक रहे हैं. देखो मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है कि पूरे इंडिया के दांत तो तुम लोग चमका ही दो, पर तुम्हारे बिजनेस को और चमकाने के लिए और ब्राइट बनाने के लिए कार देखो दे रहा है तुम्हें एक डैजलिंग गोल्ड कॉइन. थैंक यू. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. उम्मीद है लोग आप पे वैसे ही भरोसा करेंगे जैसे कार देखो पर कस्टमर्स 15 साल से यूज कार्स बाय और सेल करने के लिए कर रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. डू वेरी वेल. थैंक यू. थैंक यू. आई हैव टू क्रिएट अ मशीन दैट कैन क्रिएट मशीन्स दैट कैन क्रिएट मशीन्स. Famous for sending emails to his teams at 5:30 a.m. Kids change your life, right? Being a father is like a startup, right? In its own, where you have your co-founder. We can create a section also if we want special, you know, leadership positions. मेरा मॉर्निंग मीटिंग का एक ही फोकस रहता है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मैं टॉप ऑफ द डे पे ले गया. लेट्स गो. बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ. तो आपको तैयार करना है एक आर्मी ऑफ लीडर्स एंड कोलीग्स जो डिसीजन ले पाए, वही मेरा रोल है. The accountability needs to sit with the regional head and you need to empower them to get it done. He should not be the one driving and chasing. मैं जा रहा हूँ भिवाड़ी, जहाँ Lenskart बना रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी. इस प्लांट की कैपेसिटी है 50 मिलियन चश्मों से ज्यादा पर ईयर. आपको कुछ चीज़ों का पैशन होता है जॉन टिकन, जैसे डिजाइन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो आपको मजा आता है. अब वन परसेंट ऑफ अ मिलियन इज अ लार्ज नंबर, 1% ऑफ अ बिलियन इज अ वेरी लार्ज नंबर. तो वहां पे वो जो 1% की जो डिटेल ओरिएंटेशन है, वो कहते हैं ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला, वो ना आना बहुत जरूरी है. तो अभी हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं. मैं एक स्टोर विजिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डिस्गाइज करूंगा अपने आप को, मास्क पहनूंगा, कैप पहनूंगा. मैं देखूंगा, थोड़ा वॉच करूंगा कस्टमर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसे प्रोडक्ट समझा रहे हैं, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है. ज्यादा ही सस्ता नहीं है? इधर लिखा गोल्ड मेंबरशिप फ्री, आप तो पैसे ले रहे हो.
5,000 से ऊपर अगर होगा 5,000 से ऊपर का तो कुछ नहीं है, 1200 रुपए का। बताओ बताओ आप क्या कर रहे हैं? अच्छा लगा, आई टेस्ट अच्छा किया, पर चश्मे उतने साफ नहीं है बॉस, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एक लीडर का काम होता है गो सेट द टोन। कस्टमर सर्विस में एक चीज होती है गुड इज नॉट गुड इनफ, हमें इसको और बेहतर बनाना है, एक एक डिटेल में जाना है, चाहे वो चश्मे की सफाई है, चाहे वो आई टेस्ट की लेंस की वो है, हर चीज पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मिलके ही ब्रांड बनाता है, मार्केटिंग ब्रांड नहीं बनाता है। पर ये होता है एक जुनून से, कस्टमर ऑब्सेशन से, वो प्यार से, यही है, ये हम करेंगे, खुद जाके करेंगे तो लोग करेंगे, और यही उसे कहते हैं कल्चर। सिंपल सी बात है, देर में समझ में आती है। सुना है हमारी अगली पिक्चर टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट, मैं ये पिंक नाड़ा लेके घूम रहा हूँ। आइए मिलते हैं गुड़गांव की बहनें पुण्य और परिणा। आओ, वेलकम। हाय, हेलो। कौन है आप में से? टाइक्वांडो कौन है? आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना ऐसे? आपने पैसे देने? नहीं ना, नहीं, मेरे देना, उसको डरना चाहिए। हाँ, उसको डरना चाहिए। हाँ, तो आप जाओ अपना पिच करके आओ, मैं यहाँ अकेले बैठ के आपकी पिच देखता हूँ। आपको अकेले बैठने की जरूरत नहीं है, हमारे पेरेंट्स आर आल्सो हियर टू सपोर्ट अस। अरे अरे अरे, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ओके, जय माता दी, ऑल द बेस्ट। ये कहाँ आ गए? पुण्या, हम शार्क टैंक पे हैं। चल, हमारी पिच का टाइम हो गया। हाय। हेलो। ओह हाय शार्क्स। हाय। शार्क्स, आजकल हर ओकेजन के लिए हमारे को एक लुक चाहिए होती है, चाहे वो एक एयरपोर्ट लुक हो, चाहे वो जिम लुक हो, चाहे वो डेट लुक हो। तो फिर हम सोने की लुक को बोरिंग क्यों रखें? That's where we come in. हम दो बहनें लाई हैं इंडिया को फैशनेबल बनाने के लिए हमारा ब्रांड मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी। मिडनाइट एंजल्स एक लाउंजवेयर ब्रांड है जहां पे हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो आप घर पे तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर डेट पे जा रहे हो या फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, आप वही कपड़े बाहर पहनकर भी जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी शार्क्स, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 1500 रुपए से हुई, सिर्फ नाइट सूट्स के साथ। एंड हमारे डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए कि पहले दो दिन में हमने 80,000 की सेल करी। वाओ। And since then, we have never looked back. पहले दो दिन में? हाँ जी, yes ma'am. आज हमारी वेबसाइट पे 1,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम लाउंजवेयर से लेकर ट्रैवल वेयर की कैटेगरी में फोकस करते हैं। हम अभी तक 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और 25,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सप्लाई दे चुके हैं। हमारा एक ही सपना है, मिडनाइट एंजल्स को वर्ल्ड का नंबर 1 लाउंजवेयर ब्रांड बना, इंडिया से शुरू करके ग्लोबल जाना, और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ पुण्या और मैं हूँ परिणा। हमारा आस्क है 75 lakhs for 6% of our equity. So sharks, क्या आप रेडी हो टू स्ले इन एवरी लुक विद मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी? आप सिस्टर्स हो? Yes, real sisters. We have 11 years of age gap. I'm 25 years old. We started when I was 20. I'm 36 at the moment. So welcome to Shark Tank. So ये तो आपने बहुत ही fun brand बनाया है. Thank you. और ये दो दिन में 80,000 ये चौंकाने वाले numbers जो है उसकी story बताइए. थोड़े साल पहले हमारी family एक financial crisis से निकल रही थी. एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पैसे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके थे। डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन जीएसटी की वजह से वी वर ऑलमोस्ट एट नथिंग। हमारे डैड का बिजनेस जो था वो गुवाहाटी के साइड पे है, तो वो गुवाहाटी में थे। आप कहाँ रहते थे वो टाइम? गुड़गांव। पापा का हमारे को कॉल आया कि बेटा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं वापस भी कैसे आऊँ। मैंने दीदी को बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, कल क्या खाएंगे वो भी नहीं पता। तो दीदी ने कहा एक रिस्क लेते हैं, नाइट सूट का एक काम है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक ये ब्रांड का विजन एक हमेशा से था, क्योंकि प्लस साइज नाइट वेयर, प्लस साइज लाउंज वेयर, अच्छे डिजाइन के मार्केट में पहले मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बोरिंग टी शर्ट्स और पजामाज मिलते थे।
एक ये गैप हमारे को दिख रहा था मार्केट में, तो हम मार्केट गए, दो दिन शॉप स्टडी करी, हमारे को वो क्वालिटी प्रिंट्स जैसे यू नो फैब्रिक्स नहीं मिले। लकीली एक दुकान पे, छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ पे प्रिंट्स पड़े हुए थे, तो हमने 5-6 प्रिंट्स उठाए। मॉम का एक टेलर था, उसके पास गए, उसको बोला भैया ये वाले सैंपल्स बना दो। दीदी एक फेसबुक ग्रुप की पार्ट थी, फेसबुक के ग्रुप पे उस टाइम लोग पिक्चर्स क्लिक करके अपनी डालते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे, तो दे वर मोस्टली रीसेलर्स। किस चीज का ग्रुप था? फैशन का? फैशन ग्रुप, सो इट वाज कॉल्ड शॉप पर। जैसे ही घर पे सैंपल्स आए, अगले दिन मैंने फोटो क्लिक करी, दीदी को बोला कि आप पोस्ट कर दो। यू विल नॉट इमेजिन, जब हमने वो पोस्ट करा, वी हैड 700 इंक्वायरीज। कितने का है, व्हाट इज द साइज चार्ट, वी वांट टू बाय, आप प्लीज हमें डीएम करो। हम बैठे दोनों सोफे पे, टक 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 शुरू करा। हमारे पेटीएम की उसकी कुछ तब 20,000 की लिमिट थी, केवाईसी से पहले कुछ था, तो एक एक करके पहले मेरा पेटीएम भरा, फिर दीदी का, फिर मम्मा का, फिर पापा का भी भरवाया। तो पापा का ना दीदी को कॉल आया, मेरे यार कोई प्रैंक कर रहा है क्या, ये मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पेटीएम में ट्रिंग 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 हो रहा है। और ये एडवांस में लोग भर रहे हैं, एडवांस एवरीथिंग, एडवांस सारा प्रीपेड था। पापा हमने ना नाइटवेयर का बिजनेस शुरू करा है, ये वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पापा अब हम बच जाएंगे, अब आप टेंशन मत लो, वी हैव टेकन द चार्ज। वाओ, फ्रॉम देयर एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर आवर ब्रांड। कौन से साल की बात? 2007 एंडिंग। पापा भी इसी बिजनेस में? वो प्रोडक्शन हेड करते हैं क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का बिजनेस था उनका? बाथरूम फिटिंग्स का सर, तो उनका बाथरूम फिटिंग का भी साइड साइड अब चल रहा है, हमने दोबारा री इन्वेस्ट करा उनके बिजनेस में। आपने इन्वेस्ट किया है? हां जी, वाओ यार, हमने पैसे दिया है, पापा दोबारा काम शुरू करो। दिल से सलाम, बहुत अच्छी। थैंक यू। मैं आई हैव टू डॉटर्स, उनके बीच में भी 8.5 साल का फर्क है। सर ये जो गैप है ना, एज गैप, ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरे को तो उल्टा लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आप शायद सबकी माँ हो। सीईओ आप ही हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इतना बड़ा टी-शर्ट पे लिख के आ गए और बातों से डाल रहे थे। ये जो आपने पहना है, दिस इज द नाइट वेयर, दिस इज एन एथलेजर, दिस इज द लाउंज वेयर। सो ये आप पजामा के साथ अगर आप पूरा पहनोगे तो वो आपका नाइट सूट बन जाएगा, क्योंकि हमारे प्रिंट्स इतने क्वर्की एंड फंकी, एंड इट्स लाइक यू नो कि आप बाहर जाओ कॉफी के लिए, डिनर के लिए, आप तब भी पहन सकते हो। इंटरेस्टिंग। इमेजिन लाइक आई एम वेयरिंग ऑन द स्टेज ऑफ शार्क टैंक टुडे। अमन को भी चाहिए। ये मैं अच्छा वाला पिच सुन रहा हूँ, मेरे को लाने की क्या जरूरत है? हम लोग सबके लिए लेके आए हैं। अरे वाह, वाओ, अमन दैट्स फॉर यू, दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइन्ड फॉर यू। या आई लव इट, थैंक यू सो मच। अनुपम लुक एट दिस, दिस इज एयरपोर्ट लुक राइट? या दिखाइए पीयूष क्या लिखा है इसके। ओ हो, जेम बात, एमबीए माल बेचना आता है, माल बेचना आता है। वेरी नाइस, this is great, kamal ke bande ho yaar, quality kafi achhi hai, it's very soft, it's a good feeling, that is the idea sir, it has to be so soft to your skin, aapko usse bahar nikalne ka mani na kare। ye pc ka matlab kya hai? parina chug punya chug, priyanka chopra aapko suit ho nahi karegi na ma'am, pc pe se uska right to na hamara bhi hai। well said पर आपका लोगो भी लिखा है midnight angels, तो it is only going towards nightwear। I get that, हमारे को ये चीज हमने फेस करी थी जब हम एक्सटेंड कर रहे थे, थोड़ा सा इशू आया था, बट सर मार्केट कैप्चर करने आनी चाहिए। नहीं, मैं समझ गया, बट आपको लग रहा है ना कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा होलिस्टिक लोगो होना चाहिए था, which could incorporate other things। सर जब हमने ब्रांड स्टार्ट करा था तब यू नो दैट वॉज नॉट द गोल, सिर्फ अपना सर्वाइवल का गोल था। आपने 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है, तो अगर दो दिन में 80,000 किया है तो अभी तो अच्छा ही सेल्स होगा। 21-22 में वी डिड सेल्स ऑफ 1 करोड़ 80 लाख, और अभी तक हम ऑलरेडी 1 करोड़ की सेल कर चुके। कितना करोगे? ये सर वी आर गोना क्लोज दिस ईयर एट 4 करोड़। लास्ट मंथ कितनी सेल्स थी? लास्ट मंथ हमने 20 लाख पे क्लोज करा। तो लास्ट 3 महीने पे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है? क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं,
देख रहे हैं कि सीओडी में कैसा रिस्पांस रहता है, कभी 17 रहेगा, कभी 20 तो कभी 19। अगर आप 20 लाख अभी कर रहे हैं और आपका ग्रोथ रेट फ्लैट रहा है लास्ट 3 महीने में, तो आप 4 करोड़ कैसे कर पाओगे ऐसा? बस हमारे को एक अपनी प्रमोशंस बढ़ानी है, अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है, एंड टू गेट द सेल्स ऑफ 30-40 lakhs और 50 lakhs इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द ब्रांड, बिकॉज हमारे डिजाइन एक्सेप्टेड है मार्केट के अंदर। कितना मार्केटिंग डालते हो आप हर मंथ? हमारा 4.5 लाख का स्पेंड रहता है मार्केटिंग का। और कितना सेल्स आपका ऑनलाइन है और ऑफलाइन है? 100% ऑनलाइन है, अपनी खुद की वेबसाइट से। मार्केट प्लेस पे क्यों नहीं करते हो? सर अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी से टाई अप किया है, सो नाउ वी आर ऑन मिंत्रा, नायका, अमेज़न आल्सो। आप तो प्रॉफिटेबल रहेंगी, राइट? वी आर। तो फिर आपको ये फंडिंग की क्यों जरूरत है? एक तो हमारे को अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है, अगर हम प्रमोशन पे पैसा लगाएंगे तो पीछे इन्वेंट्री नहीं होगी सप्लाई देने के लिए, देन व्हाट्स द पॉइंट? कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको इन्वेंट्री के लिए पैसे चाहिए? इन्वेंट्री एंड प्रमोशन। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है? 630 से 660 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन 650 पकड़ लेते हैं। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 2500। ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन सर 83%। 83% ग्रॉस मार्जिन? हां जी। पर आपको प्रॉब्लम बता दूं, जब ज्यादा आपके पास फंड्स भी आ जाएंगे ना, तो आपके पास ज्यादा स्टॉक आ जाएगा, फिर उसकी एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आपको स्टॉक बेचना भी तो पड़ेगा। हमारे को बेचना आता है, हमारा पैसा कहीं भी अटके नहीं वाला, हम लोग उसको लिक्विडाइज करना जानते हैं। सर तभी शायद एक रीजन है कि हम अभी प्रॉफिटेबल हैं। कितना प्रॉफिट बनाते? लास्ट मंथ पे अगर बात करें तो हमारा नेट प्रॉफिट 20% का रहा है। और रिपीट क्या है आपका? रिपीट अभी 15% है। रिपीट कम है। क्यों इतना कम? सर वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि रिपीट क्लाइंटल बढ़े। रिपीट में चैलेंज ये होगा कि इस टाइप की जो लुक्स है ना, वो आप एक ले लोगे, दो ले लोगे, पर हाउ मेनी लुक्स विल यू बाय? करेक्ट। अच्छा मैंने अपना डिसीजन बना दिया है। पुनिया एंड परीना, नो डाउट आपकी हिम्मत और एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बिजनेस में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कॉपी करना बहुत आसान है, उस वजह से इसे स्केल करना मुश्किल हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एरिया में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। आई एम आउट। मैंने खुद 15 साल पहले एक लाउंज वेयर एंड लॉन्जरे कंपनी सेटअप करने का ट्राई किया था, जिसका नाम था करेस। तब से ये मार्केट को मैं काफी स्टडी कर रही हूँ। लोग ना 500-600 का नाइट सूट लेकर उसको पहनते रहते हैं, उनको ब्रांड किसी को दिखाना नहीं होता है। 2-2500 का नाइट सूट पहनने वाला जो फिर मार्केट है ना, ऑलरेडी 0.01% हो जाता है। इसलिए मुझे ये मार्केट थोड़ा सा स्कैरी लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इसलिए मुझे राइट नाउ इसमें घुसने में इंटरेस्ट कम है, तो दैट्स व्हाई आई एम आउट। अनुपम एक बार डिस्कस करते हुए बस एक आइडिया है। आपकी स्टोरी बहुत टचिंग है, हसलर्स हो आप लोग, तो मुझे इसमें इशू आ रहा है। एक तो आपको इन्वेंटरी इशू के बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए आगे जाके कैसे होगा, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इशू आ सकता है। okay. और सेकंड, इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आगे जाके मेरे सवाए कोई भी इन्वेस्टर आता तो आपको इन्वेस्टर इशूज भी होंगे। कल को सपोज नहीं चल रहा है ये बिजनेस, तो क्या करोगे एक साल बाद? सर हमारे रोज के रोज नए डिजाइन आएंगे, नए पैटर्न आएंगे। आप बोलते हो ना हम एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगाते हैं, आई कैन गिव यू माई श्योरिटी कि मैं इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आपको ला के दिखाऊं। ओहो, देखिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। देखिए हमको काफी लग रहा है यहाँ से रिटर्न बनाना मुश्किल है, so the offer is kind of to support you more than okay. also to get our money back only from EBITDA. okay not necessarily by selling the business because हमें नहीं लग रहा है ये इतनी जल्दी sellable होने वाला है, तो इसलिए हम चाहते हैं आपको debt भी दें और equity भी दें। 25 लाख रुपए in equity only and we both want 10-10%। रैशनल इज कि आपका 40 लाख का मैक्सिमम एबिटा होगा इस साल, उसमें हमको 20% में मिलेगा 8 लाख, अज्यूमिंग हमको 3 साल में हमारे पैसे वापस मिलेंगे, राइट? तो 8 ये 24 लाइक लगभग, एंड 50 लाख इज डेट। उस डेट में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट का वो नहीं है,
लेकिन बेसिक 12% तो होता ही है। हाँ, वो जो आप बिजनेस से इजीली पे कर पाओ, दैट इज द थिंग। हमारे पास एक काउंटर ऑफर है 75 लाख फॉर 15% ऑफ एक्विटी इन आवर कंपनी। एक बार चांस लेके देखो, आई वुड गारंटी यू कि हम तो रिटर्न लेंगे, आपको भी जरूर लाके देंगे। भरोसा करना, बिलीव मी, ये सब बातों से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट नहीं होते। लेकिन आप चाहते हो कि हम 75 लाख डालें फॉर दैट 15%, वो मेरे लिए तो बात नहीं बनेगी। फैसला बहुत है, मैं नहीं पार कर पाऊंगा। आप बड़ा बिजनेस बनाओगे, मुझे इसमें जीरो डाउट। पर अभी जिस स्टेज पे है ना, पुट इन 75 लाख इन इक्विटी एंड 15%, मैं आपको खुद ही मैथ बताया है। आप कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो बना लो, 3 साल में मेरे को 75 लाख रुपया वापस कर दो और मेरे से 75 ले लो 15% पे। तो बॉटम लाइन इज वो आपका काउंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज डिसीजन दीजिए। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी आर सो सॉरी। आई अंडरस्टैंड। आपकी एक लाइन थी, बहुत पावरफुल थी। खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो बस चल पड़े। और हमारी कोशिश यही था, आप बैठे हो वहाँ पे, हम भी एक दिन बैठेंगे जरूर। हम खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या आप इन पिक्चर्स को पढ़ पा रहे हैं? Yes. हाँ जी। और अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना? Yes. धुंधलापन। सोचिए अगर आपको इस धुंधलेपन के साथ जिंदगी भर जीना पड़े तो। तकलीफ हो। दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इसी धुंधलेपन के साथ जी रहे हैं। इस प्रॉब्लम को एम्ब्लायोपिया या लेजी आई कहते हैं, जिससे चश्मे के बाद भी धुंधला दिखता है। इन्हीं 30 करोड़ में से एक मेरा भाई है जिसे एम्ब्लायोपिया था। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने काफी डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। था तो सिर्फ एक आई पैच, और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तभी मैं ऑप्टोमेट्री कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकालूं। तो मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ बनाया क्योर सी। मैं हूं पुनीत। मैं हूं जतिन कौशिक। और मैं हूं ऑप्टोमेट्रिस्ट अमित साहनी। क्योर सी है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विजन थेरेपी वेबसाइट, जो कि 3 विजन प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है। पहला एम्ब्लायोपिया या लेजी आई, यानी चश्मे के साथ भी देखने में धुंधलापन। दूसरा स्क्विंट आई, यानी तिरछी नजर। और तीसरा कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, यानी किसी चीज पे फोकस करने में मुश्किल होना। इन 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने घर बैठे हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां से फ्री आई स्क्रीनिंग ले सकते हो, जिसके बाद हमारे AI द्वारा सजेस्टेड विजन थेरेपी एक्सरसाइजेस आप अपने घर बैठे कर पाओगे। और इसके 1 से 2 महीने के यूसेज के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योरसी अलग अलग रिसर्चेस में ट्राइड, टेस्टेड और प्रूवन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अवॉर्डेड और सपोर्टेड है। और अब तक हम शार्क्स 2500 से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, या ये बोले उनको एक नई विजन दे चुके हैं। आपकी मदद से हम क्योरसी को विश्व के हर एक पेशेंट तक लेकर जाना चाहते हैं और इसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो शार्क्स, आज हम यहाँ आपसे लेने आए हैं 40 लाख के इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। पुनीत, जतिन, अमित, वेलकम टू शार्क टैंक। हाय सर। तो तुम्हारी बचपन की कहानी तुम तीनों दोस्तों की है। दोस्ती बट कहीं से तो स्टार्ट हुई होती है, कॉलेज से, स्कूल से, कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं और जतिन हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये हमारे इंडस्ट्री फ्रेंड है। जब मैं अपना ऑप्टोमेट्रिक करियर में था, तब मैं अमित सर से मिला, तो मुझे पता चला कि इस फील्ड के अंदर हम काफी इंपैक्ट दे सकते हैं। आप एक्चुअल डॉक्टर हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट। डॉक्टर कैन डू सर्जरी, ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन डू आई टेस्टिंग एंड अदर डायग्नोस्टिक्स। ओके।
जतिन के ब्रदर को ये प्रॉब्लम थी तो जतिन ने पुनीत से बात करी और फिर पुनीत ने मुझसे पूछा कि इसके लिए क्या एग्जिस्टिंग है। तो मैंने बोला पुराने मॉड्यूल्स कुछ हैं और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट को रोज एक अपने प्रैक्टिशनर के पास या आई हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और वहाँ पर थेरेपी लेनी पड़ती थी। कोविड के टाइम पे बार बार हॉस्पिटल जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको रेवोल्यूशनाइज करके डिजिटलाइज कर दिया जाए सो दैट पेशेंट इसका बेनिफिट अपने घर बैठे ले सके। कोविड का टाइम आपने बोला ये मतलब अभी शुरू हुआ है क्या? लेटेस्ट 2019 के सितंबर में हमने शुरू किया था, तब से हम कंटिन्यूअस इनोवेशन करते करते कोविड टाइम को भी हमने यूटिलाइज किया अपना सेकेंड वर्जन लाने के लिए, जिसके साथ अभी हम वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट एफिकेसी और सबसे एडवांस्ड विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। आप कैसे क्लेम करते हैं एफिकेसी? सर हमारी रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं और ऑलरेडी दो और रिसर्चेस अंडरगोइंग हैं इन एम्स, जो इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले जो अभी पब्लिश होने वाले। आप एक बार एक डेमो दे दीजिए, आई थिंक सबसे लिए इजी रहेगा। मैं आपको इनवाइट करूं? हाँ, आप बहुत सवाल पूछेंगे, आप गलत इंसान को बुला रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों गलत क्यों है? मेरे को पता है, थोड़ा मुझे पता है, अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया तो बाकी सब प्रूफ कर ही देंगे। ये चश्मा एक्सरसाइज के लिए है? जी सर। बट पीयूष तो करमचंद लग रहा है भाई। करमचंद नहीं, मैट्रिक्स लग रहा है यार। थेरेपी के दौरान जो हम ग्लासेस को यूज करते हैं उन्हें एनाग्लिफ ग्लासेस कहा जाता है, जिसमें एक तरफ रेड लेंस है एक तरफ ब्लू। इससे होता यह है कि हमारी दोनों आईज को अलग अलग इमेजेस मिलेंगी ताकि सेपरेट स्टिमुलस दे सके। हाँ जी। तो सबसे पहले पीयूष मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज रैंडम ऑब्स्टेकल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें ये जो ऑब्स्टेकल्स रेड और ब्लू में आ रहे हैं इन्हें अवॉइड करना है। आप स्पेस की हेल्प से इस बॉल को जंप कर सकते हैं। वो सारा डेटा जो ये जंप नहीं कर पाए हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है और एक्सरसाइज के एंड में एक रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि इन्होंने कितना एफिशिएंटली किया। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो बाइनोकुलर है, दोनों आंखों से की जाती है, पर इसके अंदर ये ग्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इन्हें गैबर पैचेस कहा जाता है। हमें तीन एक जैसे पैटर्न्स को अलाइन करना है एक साथ, जिसको करने से हमारे जो विजुअल कॉर्टिकल न्यूरॉन्स है डायरेक्ट उनको स्टिमुलस मिलता है। ये कलर विजन टेस्टिंग है जहाँ पर ये जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो हमें एंटर करने या सेलेक्ट करने हैं। तो ऐसे गेम्स एक घंटा रोज खेलने हैं, राइट? ऐसे अलग अलग गेम्स एआई अपने आप डिसाइड करके आपको रोजाना 6 अलग गेम्स देगा ताकि ना तो पेशेंट बोर हो और अगर वो सही परफॉर्म करता है उतना ही वो उसको डिफिकल्ट बनाता जाएगा। तो कलर आप देख पा रहे हैं रेड और ब्लू, इसके साथ वही रेड एंड ब्लू ग्लासेस का हम यूज करेंगे और इसको मिनिमम पर सेट करेंगे सबसे हल्के लेवल पे जहाँ पर ये कलर दिख पा रहे हैं। हम जैसे दिखना शुरू हो जाए वहीं हमें स्टॉप करना है और वी कैन स्टार्ट द टेस्ट। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग कलर्स आ रहे हैं और हम विजुअल एक्विटी भी मेजर कर रहे हैं, मतलब हम राइट और लेफ्ट आई दोनों को अलग अलग नाप रहे हैं। ये फोरिया का टेस्ट है आपका स्क्विंट को मेजर करने के लिए। यहाँ पर हमें इसको अलाइन करना है, एक लाइन में लेकर के आना है ग्लासेस लगाकर। समझ गए, हम लोग मिल चुके हैं पहले। हाँ जी सर, शायद एक बार, और आप अमित से मिले, मेरे को-फाउंडर से ज्यादा आए थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। आप दोनों भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, पुनीत और जतिन? सर मैं और पुनीत ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और जतिन वेब इंजीनियर है। अच्छा, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो तो ये पूरा जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस है ये आपने बनाया है? यस सर। ये जो थेरेपी है ये किसी भी एज में दे सकते हैं? हाँ जी सर, ये किसी भी एज में आपका इक्वली इफेक्टिव होगी। पर इसमें जैसे अगर किसी को स्क्विंट है फॉर एग्जांपल, और अब वो 35 इयर्स का है और अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सर्जरी करा लो या एक्सरसाइज कर लो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ये एक्सरसाइज करे और कितने दिन करे कि उसका स्क्विंट ठीक हो जाए, और किस लेवल का स्क्विंट ठीक हो सकता है? यदि वो स्क्विंट एम्ब्लायोपिया के साथ है, एम्ब्लायोपिया की वजह से है, उस केस में हम स्क्विंट को भी फुली रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ मसल डिसऑर्डर की वजह से है तब सर्जरी ही एक बेटर ऑप्शन होता है। ये प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आपने खाली 2500 लोगों में बेचा है आपने बोला है, तो ये बिजनेस कैसे है? हाँ, रेवेन्यू मॉडल बताइए। 12,000 to 18,000 चार्ज किया जाता है फॉर 3 months एंड 6 months सब्सक्रिप्शन। हम सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा। ठीक है, मंथली रेवेन्यू कितना है B2B? लास्ट मंथ का हमारा रेवेन्यू था 2.64 लाख। B2C 15 अगस्त के करीब ही हमने लॉन्च किया है, तो बिकॉज हमें बहुत क्वेरीज आती थी
गल्फ कंट्रीज से कि वो भी इनरोल होना चाहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक B2C मॉडल भी साथ में खड़ा किया जाए जो इंटरनेशनल पेशेंट्स इजीली उसको अवेल कर सके, ज्यादा पैसे भी मिले। अगर इतना मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है तो किसी VC या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, उन्होंने अब तक आप में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? मैम, हम सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं चाहते, हम चाहते हैं उन लोगों के साथ जुड़ना जिनका एक विजन हो। ये आपने बहुत सही किया। मेरे को आप थोड़ा समझाइए, 2.64 लाख जो आपका रेवेन्यू है जी सर, ये इसका ब्रेकअप समझाइए, ये पर मंथ रेवेन्यू है? ये पर मंथ रेवेन्यू है। तो आप 18,000 रुपए 6 महीने के लेते हैं, उसमें से कितने पैसे डॉक्टर को देते हैं? सर 18,000 हम डॉक्टर्स को चार्ज करते हैं और हम डॉक्टर्स पे कैप नहीं करते, तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से इसके ऊपर अपना मार्कअप सकते हैं, वो हॉस्पिटल का चांस। कितने पेशेंट्स आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं एज ऑफ टुडे? सर 310 के आसपास वो पेशेंट्स हैं जो अभी भी ये थेरेपी कर रहे होंगे। एक्चुअली पुनीत, अमित और जतिन, आई थिंक आपको विजन से ज्यादा नेटवर्क्स की जरूरत है। इन द सेंस के मेरे जैसी जिसके पास बहुत सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर कनेक्ट्स हैं, पैसा तो वही बनने वाला है। और ये भी बताना, मैंने अमिता, आप इनकी हेल्प कैसे करेंगी वो भी बताना। मैं आपको बताती हूँ मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगी। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इतने सारे डॉक्टर्स और इतने सारे हॉस्पिटल्स, ट्रिमेंडस नेटवर्क्स हैं, तो वो आपको मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कस्टमर्स। MQO ने बहुत मेहनत की है इन अवेयरनेस एंड डायग्नोसिस, तो उसमें इंटीग्रेट करना आपको मेरे लिए बहुत आसान होगा। ओनली थिंग, आप प्री रेवेन्यू है, रिस्की है, तो मेरा ऑफर अभी है 40 लाख बट फॉर 10% इक्विटी, जिससे आपका 4 करोड़ का वैल्यूएशन होगा, बहुत ज्यादा जेनरस है। मैं इससे ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। मजाक आ गया। कैसे? नहीं, मैं आपको इजी कर देता हूँ, मैं आउट हूँ क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस, ग्रेट जॉब ऑन द प्रोडक्ट। इंडिया से आप 30 करोड़ ग्लोबल लोगों को एड्रेस करने वाला प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक ऑन योर मिशन। आई थिंक नमिता इज अ ग्रेट पार्टनर। आई एम आउट। ये जो मॉडल पे आप चल रहे हैं जिस पे नमिता आपकी मदद करेंगी, उससे इंपैक्ट जिसके लिए आपने शुरू किया था आपके भाई के लिए, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं? कितने लोग 18,000 रुपए, अगर डॉक्टर जीरो फीस भी रखे 18,000 रुपए 6 महीने के दे सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम। मैंने देखा डॉक्टर्स आर चार्जिंग 10-15,000 तक का। मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूं। मेरे ऑफिस में एक मेरी एम्प्लॉई है, उनके सन को ये प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा उन्होंने आपका सॉल्यूशन यूज किया और उनके सन को फायदा हुआ, तो टेस्टिमनी है। फिर मैंने पूछा कितने पैसे लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कितने पैसे लिए, वो काफी हाई था। तो ओनली फॉर द कॉज, एंड क्योंकि आप इस पे 4 साल से लगे हुए हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो ओमेन होता है ना कि पहले आपका नाम सुना है, फिर मेरी ऑफिस में एम्प्लॉय को हुआ है, और आज आप बाय चांस, मतलब मैंने आपको शार्क टैंक पे नहीं रेकमेंड किया, आप आज यहाँ खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं साथ। लेकिन जब आपके ऑफिस आए तो क्यों नहीं किया था? यार, मेरे पास ऐसे कोई मीटिंग के लिए नहीं आए, मेरे को फाउंडर अमित से मिले होंगे, कुछ बात हुई होगी, यू नो इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स की इट डिडंट कैच द अटेंशन, पर आज ये टेंशन है। क्यों नहीं किया अटेंशन कैच? ये क्योंकि जो मॉडल पे आप इनको ले जाना चाह रही हैं, वो मॉडल में मैं बिलीव ही नहीं करता। अरे वो तो बिगिनिंग है ना। नहीं, बिगिनिंग नहीं है, इट इज अ चॉइस। पहले B2B जाके पैसे बनाओ, फिर B2C जाओ ना। ये भाई देखो, मेरा फिलोसॉफिकल लाइफ में यही है, मुझे प्रॉब्लम्स को कोर पे सॉल्व करना है, फाउंडेशन में भी काम करना है, भले ही हम फाउंडेशन में इसको फूल करें। मेरा तो ये गोल होगा, मैं इसको लेंसकार्ट की वेबसाइट पे ना पहले अवेयरनेस बढ़ाऊं और इसको बहुत अफोर्डेबल लेवल पे लॉन्च करूं, मे बी 500 रुपये महीना, मे बी 200 रुपये महीना। मैं आपको ऑफर दे देता हूँ, बट आपको चूज करना पड़ेगा, मैं इसमें को डील नहीं करूँ। मुझे भी नहीं करनी है कोडिंग, नॉट इंटरेस्टेड। अब आएगा मजा। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और 25% इक्विटी,
इन द बिजनेस ताकि हमारा भी थोड़ा स्किन रहे गेम में. 25% सेम वैल्यूएशन जो आप दे रही हैं. और अगर आप 40 लाख और 10% है वो मैं आप पे छोड़ूंगा. मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है. मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मेरा भी विजन इन्हीं के जैसा है. जो हेल्थ केयर में होते हैं उसका एक्सपर्टीज मेरे पास है. मेरे पास भी उसका एक्सपर्टीज. मैं हर एक थेरेप्यूटिक एरिया में ये करती आई हूँ. ऑफ पेशेंट डेटाबेस. आई डिसएग्री. अच्छा सुनिए सुनिए, इन इन दोनों का ऑफर. और बाय द वे आपने 25% तो डाइल्यूट करना ही नहीं चाहिए. आई डिसएग्री. अच्छा भाई, इन दोनों का ऑफर सुन के मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है. और ये कैटेगरी मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रही है. थर्ड ऑफर. लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ. आपने मेरी इज्जत नहीं. मैं कब से बैठा हूँ बंदर की तरह बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. कोई बोलने नहीं देता. कभी ये नहीं बोलने देती है, कभी ये नहीं बोलने देते. ये झपट लेना चाहते हैं आप. लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा. ओह गॉड. मुझे लगता है हम पांचों में से ये दोनों बेस्ट हैं आपको ये सपोर्ट देने के लिए. इसलिए मैं आउट होना चाहूंगा. आई थिंक यू हैव अ टफ डिसीजन बट आइदर वे यू विल मेक द राइट चॉइस. गुड लक. मैं आपको और एक ऑफर देती हूँ. मैं आपको 40 लाख फॉर 7.5% देती हूँ. तो आई जस्ट इंक्रीज योर वैल्यूएशन. आई विल नॉट डिबेट दिस. आई विल नॉट गेट इनटू अ वॉर विद हर. मेरा क्लियर है ऑफर. आप 40 लाख 10% ले लीजिए. आपको पता है लेंस कार्ड क्या वैल्यू ऐड कर सकता है. आपकी चॉइस है. सीरियसली मेरे को इसमें कोई नहीं है. आपको मदद मिलनी चाहिए. मेरे को पता क्या दिख रहा है. मेरे को लिख रहा है अमर प्रेम अंदाज अपना अपना और आप और रवीना करिश्मा. उसके लिए लड़ रहे हैं अमर प्रेम अमर प्रेम अमर प्रेम. मैं भी फेंकू तू भी फेंकू. नहीं वैसा नहीं है. ये दोनों असली है. अब आप फाइनल डिसीजन. इंतजार की घड़ी खत्म. एंड आप सुनिए, डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. क्या सर हम 40 लैक्स को सेम ऑफर से मैच कर सकते हैं प्लीज? क्योंकि हम आपके साथ जाना चाहेंगे. हम उसी में बिलीव करते हैं कि पेशेंट को अल्टीमेटली बेनिफिट होना चाहिए. या देखो, अगर आप इतना बिलीव करते हो तो 2-2.5% से आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. नहीं नहीं पड़ता है सर. स्क्रैच से बनाया सर तो पड़ेगा फर्क 2-2.5% से. ए, मैं आपको 40 लाख 5% में देती हूँ. मैं आपको 50 लाख रुपए दे देता हूँ 10% के लिए. इज दैट ओके? इनका 5 करोड़ वैल्यूएशन, मेरा 8 करोड़ वैल्यूएशन. सोच लीजिए. आई एम गिविंग यू 60% मोर वैल्यूएशन. 5 सेकंड्स. 60% मोर वैल्यूएशन. 5 सेकंड्स. शार्क, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम भी सर के विजन के साथ एसोसिएटेड हैं. तो हम पीयूष सर के साथ जाना चाहेंगे. कौन सी डील? फाइनली मेड अ गुड डिसीजन. 50 लाख फॉर 10% ऑफ इक्विटी. गुड, आई एम हैप्पी. सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? नॉट वेदर पीयूष गॉट द डील और नमिता गॉट द डील. बिग पॉइंट इज दैट यू गॉट द डील और भारत को एक डील. यस, बहुत अच्छी डील है. एंड आपका कन्विक्शन दैट यू पिक द ऑफर दैट हेल्प्स मोर पेशेंट्स दैन बेटर वैल्यूएशन. Hats off, you guys. And सुनो, पीयूष मेरा दोस्त है. I will help all of you with the network. Thank you, Namita. That would be lovely, ma'am. That would be lovely. I will. Best deal. Need to work very hard, and I'll be there to help you. Good job, guys. आज शॉप एक्सपीरियंस में सोलापुर से राखी का सवाल है. विनीता, जैसा कि हम जानते हैं 10 में से सिर्फ 2 बिजनेस ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 8 बिजनेसेस का क्या होता है? मेरा मानना है कि 10 में से एक ही बिजनेस बहुत बड़ा हो पाता है. उसमें से 3-4 बिजनेसेस प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बिजनेस की तरह सालों साल चलते हैं, और बाकी 5-6 एंटरप्रेन्योर्स तो अपना बिजनेस बंद करके या तो कुछ और स्टार्ट करते हैं या फिर कोई जॉब ले लेते हैं जिसमें भी कुछ हामी नहीं है. मेरे खुद शुगर के पहले 3-4 अटेम्प्ट्स एट स्टार्टिंग बिजनेस फेल हो गए थे. इनफैक्ट शुगर स्टार्ट करने से पहले जो बिजनेस था फैब बैग, उसको हमने पिवट करके शुगर कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया.
तो ये जो फेलियर रीस्टार्टिंग पिवट्स ये एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी का बहुत अहम हिस्सा है. उसके बिना मुझे नहीं लगता किसी एंटरप्रेन्योर को अपने सक्सेस में मजा भी आता है.